हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टिकटॉक्स में। मैं आपको आज एवीएल ट्रीज क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। तो क्या होता है एवीएल ट्री, उससे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारी बाइनरी सर्च ट्री में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में इनपुट देते हैं बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो हमारा बाइनरी सर्च ट्री कैसे दिखता है। फॉर मोर डिटेल्स ऑफ बाइनरी सर्च ट्री यू कैन गो थ्रू माई वीडियो फॉर बाइनरी सर्च ट्री जो यहाँ पे राइट अप कॉर्नर पे फ्लैश हो रहा है। तो चलो देखते हैं कि ट्री कैसे बनेगा अगर हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर डेटा इनपुट लेते हैं बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो हमारा ट्री कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये जो पहला वाला ट्री हमने बनाया हुआ है वो ऐसा बनाया हुआ है जहाँ पे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर का डेटा इनपुट लिया हुआ है, और जो दूसरा वाला ट्री बनाया हुआ है वो ऐसा ट्री बना है जहाँ हमने असेंडिंग ऑर्डर का डेटा इनपुट लिया हुआ है। तो अगर इस टाइप का इनपुट हम बाइनरी सर्च ट्री को दे रहे हैं तो जो ट्री बनने वाला है वो बनने वाला है हमारा स्क्यूड बाइनरी ट्री। अगर ये स्क्यूड बाइनरी ट्री बनता है तो उसके लिए इंसर्ट ऑपरेशन या डिलीट ऑपरेशन या सर्च ऑपरेशन, जो भी कुछ ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं ऑन दिस स्क्यूड बाइनरी ट्री, वो उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो अगर हमें ये वाला ट्री सही सेम डेटा लेके अगर उसका कॉम्प्लेक्सिटी हमें रिड्यूस करना है तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वो है एवीएल ट्रीज। एवीएल ट्रीज ये यही पर्पस के लिए है जहाँ पे ये तीनों ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज हो जाती है। तो ये जो एवीएल ट्री है वो जो बनाता है उसके बाद उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर्च करने के लिए जो होता है वो लेस हो जाता है। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू सर्च नोड और एन एलिमेंट फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्री इन वर्स्ट केस इज इक्वल टू द लीनियर सर्च दैट इज बिग ओ एन। तो अगर हमारा वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च ट्री में जो लीनियर सर्च का हो जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। हम ऐसा सोचना चाहते हैं कि हमारा ट्री जो ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो लेस टाइम में परफॉर्म करे। तो इसी के लिए हम जो आगे जाने वाले हैं तो वो ये है कि यही ऑपरेशंस मिनिमम टाइम में परफॉर्म करने के लिए एवीएल ट्री हमारा कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। बिकॉज अब हम अगर रियल टाइम डेटा देखते हैं तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारा रियल टाइम डेटा जो है वो किस फॉर्मेट में आएगा, किस पैटर्न में आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसीज क्या होगी। अगर वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्री कंस्ट्रक्ट होने वाला है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू परफॉर्म ऑल दीज ऑपरेशन ऑब्वियसली बिग ओ एन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब बैलेंस करने के लिए हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो है एवीएल ट्रीज। तो एवीएल ट्रीज जो हुआ है वो ये तीन इन्वेंटर्स ने इन्वेंट किया है, एडिलसन, वेलस्की एंड लैंडिस। तो ये जो तीनों मिला के हमारा ट्री बनाया हुआ है उसको उनके नाम से ही नाम रखा गया है, वो है ए वी एंड एल, दैट इज ए एडिलसन, वेलस्की का वी एंड लैंडिस का एल, ए वी एल। वो जो है वो अभी सेल्फ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है। अभी ये जो सेल्फ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है उसका बैलेंसिंग मतलब क्या होता है, तो चलो ये देखते हैं कि वो हमें क्या करना है, उसका मतलब क्या होता है। अगर ये बाइनरी सर्च ट्री है तो ये सेल्फ बैलेंस्ड है, मतलब यहाँ पे हमें हाइट्स चेक करनी है। अगर डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री, ये अगर हमारा -1, 0 और 1 आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ट्री बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है।
और अदर लैंग्वेज में हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर बाइनरी ट्री हमारा बैलेंस है तो जो हाइट होता है, हाइट हर एक चिल्ड्रन का हाइट जो होता है वो उसका हाइट का डिफरेंस एटमोस्ट 1 होना चाहिए, वो आइदर नेगेटिव 1 हो या पॉजिटिव 1 हो। और आगे जाके ये जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं तो उसे बोलते हैं हम बैलेंस फैक्टर। तो बैलेंस फैक्टर क्या होता है, एवरी नोड मेंटेन्स अ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फील्ड दैट इज नथिंग बट अ बैलेंस फैक्टर। तो ये जो हमारा बैलेंस फैक्टर होता है, जो हाइट का डिफरेंस होता है वो अगर -1, 0 या 1 है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ट्री बैलेंस्ड ट्री है। तो चलो अभी देखते हैं AVL ट्रीज का डेफिनेशन क्या है। तो AVL ट्री किसे बोलते हैं, AVL ट्री एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है जिसका बैलेंस फैक्टर हर एक नोड का -1, 0 या 1 होता है। सबसे पहले तो ये बाइनरी सर्च ट्री है जो कि खुद से बैलेंस्ड है, और वो बैलेंस होने के लिए उसका बैलेंस फैक्टर काउंट किया जाता है। वो बैलेंस फैक्टर हर एक नोड का होना चाहिए -1, 0 या 1। अगर ये सभी प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ट्री है वो AVL ट्री है। तो ये बैलेंस फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस फैक्टर हर एक नोड का जो होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने दिया हुआ है। तो ये जो बैलेंस फैक्टर होता है, सबसे पहले हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, ऐसे अगर करते हैं तो भी चलता है, और नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो ये जो हाइट का डिफरेंस होता है वो हमारा हो जाता है बैलेंस फैक्टर। और अगर हमारा बैलेंस फैक्टर -1, 0 या 1 आता है हर एक नोड का, तो हम बोल सकते हैं जो हमारा बनाया हुआ ट्री है वो AVL ट्री है। तो चलो ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो रूट नोड है 25, उसका बैलेंस फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं। हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 25 का बैलेंस फैक्टर है, इसके लेफ्ट सब ट्री का हाइट जो कि 1, 2 एंड 3 है, एंड राइट सब ट्री का हाइट भी 1, 2 एंड 3 है। 3 माइनस 3 इज 0, दैट्स व्हाई इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 0। अभी 20 का बैलेंस फैक्टर देखते हैं। 20 का बैलेंस फैक्टर, इसके लेफ्ट सब ट्री का हाइट है 2 एंड राइट सब ट्री का हाइट है 1। सो इसका जो डिफरेंस है 2 माइनस 1 इज 1, इसलिए यहाँ पे बैलेंस फैक्टर हमने 1 दिखाया हुआ है। यहाँ पे हमने 25 का बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट किया था। तो ये वाली जो लेफ्ट सब ट्री की हाइट थी उसमें जो मैक्सिमम होती है वो हम कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री यहाँ पे हाइट, यहाँ पे अगर हम 12 तक जाए तो हाइट 3 होती है, अगर हम 22 तक जाए तो हाइट 2 ही होती है। तो इसलिए हम जो मैक्सिमम हाइट होती है लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की वो कंसिडर करने वाले है। तो आप देख सकते हो हर एक नोड के लिए यहाँ पे बैलेंस फैक्टर दिया हुआ है। आप खुद से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो कि ये बैलेंस फैक्टर जो दिया हुआ है वो करेक्ट है या नहीं। चलो मान लेते हैं कि ये सारे करेक्ट है और सभी नोड के लिए बैलेंस फैक्टर आइदर -1 है, 0 है या +1 है या 1 है। इसका मतलब है जो हमारा ट्री बनाया हुआ है वो AVL ट्री है, क्योंकि बेसिकली ये बाइनरी सर्च ट्री है और हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो हमारा ट्री बनाया हुआ है वो AVL ट्री है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज मेंशन की है, अबव ट्री इज ए बाइनरी सर्च ट्री एंड एवरी नोड सेटिस्फाइंग बैलेंस फैक्टर कंडीशन, सो दिस ट्री इज सेड टू बी एन AVL ट्री। अगर हमें एक पॉइंट और एक याद रखना है, की पॉइंट हम उसे बोल सकते हैं, कि हर एक जो ट्री AVL ट्री होता है वो बाइनरी सर्च ट्री होता ही है।
Because अगर ये binary search tree नहीं है तो हमारा AVL tree बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि basically जो हर एक tree होता है AVL tree वो binary search tree होता ही है. पर हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हर एक binary search tree हमारा AVL tree होता ही है. हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हर एक binary search tree का हर एक node का जो balance factor आता है वो -1, 0 या 1 होगा ही. ये condition अगर satisfy नहीं हो रही है तो ये tree जो बन रहा है वो AVL tree नहीं हो सकता है. इसलिए हर एक ट्री, हर एक बाइनरी सर्च ट्री AVL ट्री नहीं हो सकता है, जो कि फर्स्ट स्लाइड में एग्जांपल दिया हुआ था स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री. वो उसका बैलेंस फैक्टर अगर आप लिख के देख सकते हो तो यू विल कम टू नो कि वो वाला ट्री बाइनरी सर्च ट्री है लेकिन वो वाला ट्री AVL ट्री नहीं है, क्योंकि उसका बैलेंस फैक्टर इज नॉट लाइंग बिटवीन -1, 0 एंड 1. तो थोड़ा सा और जान लेते हैं अबाउट AVL ट्रीज. तो AVL ट्री जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. तो वो परफॉर्म करने के बाद अगर बैलेंस फैक्टर जो हर एक नोड का है वो अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ओके, ये जो हमने ऑपरेशन किया हुआ है वो हमारा जनरेटेड ट्री जो है वो बैलेंस कर रहा है. पर अगर वो बैलेंस नहीं कर रहा है तो हमें कुछ ऑपरेशंस उस पे परफॉर्म करने पड़ेंगे जिससे हमारा ट्री बैलेंस, जो इम्बैलेंस है अभी वो बैलेंस हो सकता है. तो अगर परफॉर्म करने के बाद ऑपरेशन इंसर्ट या डिलीट ऑपरेशन करने के बाद हमारा ट्री इम्बैलेंस होता है तो हमें रोटेशन नाम का ऑपरेशन या टूल यूज करके हमें वो ट्री बैलेंस करना पड़ता है. तो वो क्या होता है, रोटेशन हमें कैसे हेल्प करता है जो हमारा इम्बैलेंस ट्री है वो बैलेंस करने के लिए, उसके लिए मेरे चैनल के अगले वीडियो को देखिए. स्टे ट्यून विथ माय चैनल फॉर मोर वीडियोज अबाउट AVL ट्रीज. थैंक यू डियर फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग माई वीडियो. If you like the contents and the video, please like the video and subscribe my channel. Thank you.